गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। दिखावे की कोशिश कभी मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। कुछ लोगों के नजरों में आप कभी भी अच्छा नहीं बन पाएंगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, उनकी नजरों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करें जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जीत पर अड़े होते हैं। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, कभी कभी खामोश हो जाना ही ज्यादा बेहतर होता है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, फायदा ये हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती है, कभी कभी ये जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दूसरों को दिखाया करो। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना सीख जाए। दुश्मन चाहे कितने भी हो, पर दोगला यार एक भी न हो। जिंदगी के खेल में हार न मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। ये महंगाई का दौर है दोस्तों, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। जिनमें सच बोलने की क्षमता होती है सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जिंदगी में अगर सम्मान चाहते हो तो थोड़ा अहंकार रखना ही पड़ेगा। सांसों में अगर जीत का नशा हो तो जख्म कहाँ मायने रखते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना बुरे होने से भी बुरा होता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। जहाँ अपने साथ छोड़ देते हैं कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना भी जरूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। हम अकेले जरूर हैं लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। वफादारी मिलेगी हर रिश्तों में जब बात होंठों से नहीं नोटों से होगी। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। दुआ में याद करने के जमाने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आपने एक बार भी गलती से गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से रिश्ता बनाइए, क्योंकि यहाँ दिखाने वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम हैं। वहाँ नाराज कभी मत होना जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी बदनामी का कारण बनती है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाना बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। कितना नादान है ये मेरा दिल, ये उसके लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ है ही नहीं। यह कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उनकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाते हैं। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है, आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें आपका स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना ही चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे।
जहां आपकी गलती न हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत न हो वहां रुको मत। आज ये जो मेरे हालात हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नज़रों से उतर जाएंगे। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलबों से नहीं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। जिंदगी में दो चीज़ें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांसें और दूसरा साथ। सांसें टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने में जो आपकी कदर नहीं करते। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। अपना अस्तित्व बचाने का एक ही तरीका है, प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। सहना चाहिए, मौके पर कुछ कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति से रहना भी चाहिए। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को कुर्बानी दे देता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर होता है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, और जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग ऊपर वाले को बहुत पसंद आते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल रखिए। ये रिश्ता भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़र बता देती है कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। हर रिश्ता की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता ख़त्म कर देना ही सही होता है। जिसने थोड़े से ही में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई हो ही नहीं सकता। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, और डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होती है, और हमेशा पश्चाताप पर ख़त्म होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया है जिनका आपका जीवन में कोई योगदान नहीं था। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं शेरों का संग रहना सीखो। मतलब की बात तो सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई कोई ही समझता है। खुद को खो दिया हमने लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा लगता है, जान पहचान तो जान ले लेती है। क्या सिखवा करें हम अपनी किस्मत का, वो लोग भी बदल गए जो कहते थे यकीन करो हम सबके तरह नहीं हैं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वो बचपन हम फिर से जी पाते। माफ़ चाहें बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए।
कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो, क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए जरूरी नहीं होते। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नीयत नेक होनी चाहिए। एक झूठा और धोखेबाज इंसान एक ईमानदार और सच्चे इंसान का साथ कभी निभा ही नहीं सकता। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक दे जाता है। निभाने वाले आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देते हैं और छोड़कर जाने वाले आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपको छोड़कर चले जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, मगर याद रखना किसी मोड़ पर हम तुझे भी बदल देंगे। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। कुछ लोग अपनी अकर के वजह से न जाने कितने रिश्ते खो देते हैं। जो तुम्हारे साथ दिल से बात करता हो उसे कभी भी दिमाग से जवाब देने का पाप मत करना। दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है और जब छोड़कर चला जाता है तो सुख देकर जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दीपक मिट्टी का है या सोने का यह जरूरी नहीं होता, जरूरी तो यह होता है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर यह जरूरी नहीं होता, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है यह जरूरी होता है। जवानी की लालच में बचपन चला जाता है और कामयाबी की लालच में जवानी चली जाती है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं जो थका नहीं इतिहास उन्हीं का बनता है। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी भी कम नहीं होगा। बहुत चालाक हो गए हैं ये दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जो भाग्य में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ो। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उन चीजों के बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। समय को कभी बर्बाद न करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आज से अभी से शुरू करें। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब मुझे पसंद नहीं हैं। मरने के बाद तो चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं लोग। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो, याद रखना वक्त सबका आता है। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने हम बनाए गए हैं। न जाने किस बात पे इंसान को नाज है, जो अपने आखिरी सफर के लिए दूसरों का मोहताज है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना और सहा है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर करनी पड़े। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करते हैं, इंसान नहीं। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। कई बार हम दूसरों की लाइफ में इतना घुस जाते हैं कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का मौका ही गंवा देते हैं।
आज के समय में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब का गलती भी अपराध माना जाता है। मुझे खामोश ही रहने दो साहब, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ कोई ना कोई रूठ ही जाता है। नफरत की एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत न हो तब तक उसके काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी न करें। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में न दिखाई देते हों पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? कितनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर ही रहना चाहिए। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन का सोच रखते हैं। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। यह कलयुग है साहब, यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। जिनकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अय वक्त तेरा शुक्रिया, मैंने जो भी सीखा है तुमने ही सिखाया है। तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, जिंदगी तो मिली नहीं मगर तजुर्बे बहुत मिल गए। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई हमारा साथ नहीं छोड़ता तो ऐसे इंसान का हमें हमेशा कदर करना चाहिए। लोग झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, मैंने तो कांटों के साथ रहते हुए फूलों को आज तक चुभते हुए नहीं देखा। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। जरूरी नहीं कि किसी बड़े चोट से ही बड़े घाव हों, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, कई झूठे अगर इकट्ठा हो तो सच्चा भी टूट जाता है। दो हाथ जोड़कर हम 50 लोगों को तो मार नहीं सकते, लेकिन दो हाथ जोड़कर हम लाखों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। ये दुनिया है जनाब, यहाँ खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। जिद पर अगर आ जाऊँ तो पलट कर भी न देखूँ, मेरे सब्र से अभी तू वाकिफ ही कहाँ है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। मुझे इसीलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं।
आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो और खत्म करना हो तो सिर्फ एक बार सच्चाई बयां कर दो। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब सारी ताकत होनी चाहिए। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को डुबाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। सुंदरता आपकी दृष्टि कोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आ जाता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश होने का समय प्रारंभ हो गया है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि वास्तव में आपके पास आपके अलावा और कोई भी नहीं। सुंदरता आपकी दृष्टि कोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आ जाता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वे जो गरीब होकर भी कुछ दान कर देते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों न हो जाए। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करते रहना चाहिए। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और अगर ठान लो तो जीत ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो बदलेगी एक दिन जरूर। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य नहीं उनके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनको फल की प्राप्ति होती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध तू, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सही कर्म वह नहीं होता जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाए रखिए। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो भी आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिनमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में भी चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए।
अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। इसीलिए उपवास अन्य का नहीं विचारों का करें। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसी निश्चित बुद्धि जिनकी भी होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर। भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही किसी अन्य लोक में। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को हमेशा के लिए महान बने रहने का मौका नहीं देती है। छोटी छोटी बातों में हमें आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जिंदगी में कुछ ही बार होती हैं। अब इस दुनिया में वफा की उम्मीद किससे करें, जब मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। बुरे दिनों का एक अच्छा फायदा है कि ये अच्छे अच्छे दोस्त बुरे समय में ही परखे जाते हैं। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर एक माचिस की तीली से लाखों पेड़ भी तो जलाए जा सकते हैं। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्द नहीं मिलती। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो चींटी को खा जाती है, चिड़िया जब मर जाती है तब चींटियां उसको खा जाती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। हम इंसानों की यह सोच है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को, वो अकेले ही चमकता है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मुस्कुराकर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी हुई पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। वक्त सब कुछ दिखा देता है, लोगों का साथ भी और लोगों की औकात भी। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि आपके सामने ईश्वर भी होंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बताती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। शुक्रगुजार हूँ मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेला ही निपट सकता हूँ। कठिन रास्तों से न घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिलों की तरफ जाते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से देख रहे हैं।
अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो न ही लोगों के रहोगे और न ही खुद के रहोगे। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई है, और ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी बच गई है। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। आपकी कीमत सिर्फ तभी होती है जब आपकी जरूरत होती है। झुककर जो आपसे मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोगों का खास होता है। तन मन और धन से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। शरीर सुंदर हो या न हो पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द हमेशा याद रखते हैं। जमाना वफादार नहीं तो फिर क्या हुआ, धोखेबाज भी तो हमेशा अपने ही होते हैं। जिंदगी में कुछ भी करो बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे उस दिन आपको कोई भी नहीं रुला सकता। गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया, जो हमारा नहीं था उसे पास रखना छोड़ दिया। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो लेकिन अगर वो आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर भी गम को कैसे पीते हैं। जो कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा नहीं करता उसकी मदद करने तो भगवान को भी आना पड़ता है। वही रिश्ता ज़्यादा सफल होता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज़्यादा होता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जिंदगी में जब भी बुरे हालात घेर लेते हैं तब आपके अपने भी आपसे नज़र फेर लेते हैं। जुबान कड़वी और दिल साफ है, कौन कब बदलता है मेरे पास सबका हिसाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता।